देखिए, हम कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली के तरफ से है। आज हमारी मांग जो है, जो मणिपुर गवर्नमेंट ने रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम पे जो एविक्शन किया है, ये इलीगल है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इस वजह से मणिपुर गवर्नमेंट ने क्या किया, आज सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हिल एरियाज में हैं, सारे मिल के एक साथ इसी समय पे प्रोटेस्ट जा रहे हैं। पर कल ही इन्होंने डीसी के थ्रू एक नोटिफिकेशन जारी किया, सीआरपीसी 144 लागू किया, भी नहीं हो सकता। डेमोक्रेटिक राइट्स हमारे कर्टेल कर दिया गया है। अभी हम इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है, डिक्लेरेशन करने से पहले देर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स, वो प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए गए हैं मणिपुर गवर्नमेंट ने। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ हैं उन पॉलिसीज जो ट्राइबल्स की जो लाइवलीहुड है, जो उनका खान पान जो ट्राइबल एरिया से आता है, उनको वो रोक रखा है। अभी फॉरेस्ट एक्ट आप देखेंगे तो 1868 में इनका 1864 में सबसे पहले ब्रिटिश ने ये फॉरेस्ट एक्ट पास किया था ताकि ब्रिटिश का कंट्रोल रह पाए सारे फॉरेस्ट एरिया में। उसके बाद 1878 में ये दोबारा अमेंड हुआ कि इन्होंने बता दिया कि जो वेस्ट लैंड है वो फॉरेस्ट है। ये ओके, अभी जो फॉरेस्ट रह है कि जो जमीन जिस सरकार है इन्हें गौर दिखती है फॉरेस्ट या बताते हैं निकलती हुआ स्पेशल किया गया ने स्पेशल प्रोविजन है, उनमें से बनेंगे हिल एरिया 30 पे एरिया को आदमी डेवलप वो ये प्रोविजन दिया गया। अगर प्रोविजन 371 बात किया वो करेक्ट है, ये फॉरेस्ट के 371 प्रोका एक्शन ने व्हाई इट इज पासिंग द कमिटी, उसके फॉरेस्ट राइट एक्ट है इसको भी फॉलो नहीं किया गया है। इसमें आपका फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर होता है, रीजनेबल जाता है कि आप आए कि अगर मैं आपका तो भाई आर्गुमेंटेशन इनका टॉपिक दिया। अभी जो एग्जाम जो सब डिवीजन के अंदर इस दिया 5 नोटिस में अगर सच हम डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा तो इन्होंने बुलडोज करके 20 से 30 घरों दे दिया। 20 से 30 डिस्ट्रॉय करने के बाद इन्होंने इतने सारे जो 100 के करीब विलेजर्स थे बेघर कर दिया, ना सेटलमेंट दिया ना कंपनसेट दिया, ये ऐसे ही अपनी हालत में छोड़ दिए गए। उसके साथ साथ कांपोपी डिस्ट्रिक्ट में जो चीरू कांचोप चीरू एरिया है, जो कांपोपी है, उसे एविक्शन का नोटिस दिया, 10 दिन का नोटिस दिया, विच इज नॉट अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। उसमें डिमोलिश की थोड़े गए और ये लोग बेघर, आप सेटलमेंट आप इसमें कम दे रहे हैं। एक दूसरा लाइन भी उठने तो ये तो आर्टिकल 47 इक्वल टू द लॉ हमारे फाइट से आते हैं। हमारी यही विनती जो आर्टिकल 21 में जो कि सेंटर एक और स्टेट को हिल एरिया तो आगे जाए विक्षा है सरकार हाँ जो दो की मैं जा एविक्शन है 100 घर 20 अराउंड 20 हाउस होल्ड है विलेजर्स में 100 की Our ancestral land, forest and hills.